नेपाल में जो यति एयरलाइंस का एटिया सीरीज़ का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, मीडिया में कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या पॉसिबल रीजंस हैं, खराब मौसम इसकी वजह रही, क्या 5G का मोबाइल नेटवर्क इस हादसे की वजह रहा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेपाल के अंदर विमान हादसों का एक लंबा इतिहास है, 30 सालों में 28 बड़े हादसे हो रखे हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन है नेपाल की वो बहुत ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिली टेरेन्स हैं जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा करता है। उसके अंदर जो फ्लाइंग क्रू मेंबर्स थे, क्या इनमें से इनकी कोई गलती रही, क्या पायलट ने रनवे को बदलने का जो डिसीज़न लिया क्या वजह रही, इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। यदि मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 20 साल का मुझे एवियोनिक्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें से लगभग 15 सालों से ज़्यादा का एयरक्राफ्ट में क्रू टीम रहती है, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल के गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप कर दी है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। हादसे का सही कारण हमें तभी पता चलेगा जब ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, लेकिन क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। यति एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट था एटिया सीरीज़ का, वो काठमांडू से टेक ऑफ हुआ और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसे लैंड होना था। जब काठमांडू से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है तो वहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है, ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल सामने नहीं आया है। और उसके बाद जब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो हाल ही में हुआ है, 1 जनवरी को ही नेपाल के PM ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च किया था, वहाँ पर वह सर्विसेज शुरू हुई है। तो यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि क्या ये भी एक वजह रही है कि नया नया एयरपोर्ट बना था, कुछ टेक्निकल रीजंस रहे। तो एयरक्राफ्ट के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद करती हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो क्रैश होता है उसके जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें मदद करता है, जिसमें पहला जो इक्विपमेंट है वो है CVR और दूसरा इक्विपमेंट है वो है FDR। CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कॉकपिट के अंदर जितनी भी बातचीत होती है वो सारा का सारा डेटा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और एक जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार CVR में लास्ट 2 घंटे का सारा डेटा सेव रहता है। एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट ये जो आवर से ये वेरी कर सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड है कि लास्ट 2 घंटे का तो डेटा जरूर रिकॉर्ड रहता है, सेव रहता है। इसके साथ ही जो दूसरा इक्विपमेंट होता है जो इन्वेस्टिगेशन मदद करता है वो FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसके अंदर फ्लाइंग से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं, फिर चाहे वह हाइट हो, बैंकिंग एंगल हो, फ्यूल हो, इस तरीके के जितने भी डेटा हैं, GPS रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है। और इसके अंदर जो रिकॉर्ड रहता है लगभग लास्ट 25 आवर्स का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड रहता है। और इन दोनों इक्विपमेंट को CVR और FDR को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बहुत बड़े इम्पैक्ट को, बहुत बड़े झटके को भी आसानी से झेल जाता है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती, और इसमें आग लगने पर भी ये डेटा सेव रहता है, इस तरीके से इसके अंदर इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। और आम भाषा में इसे हम देखें तो इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, इसलिए जैसे ये ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में आएगा और वो अपने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सारी चीज़ें सामने आई। एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है उसका वीडियो सामने आया, किसी ने अपने छत पे खड़े होकर ये वीडियो रिकॉर्ड किया है जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है लैंड करने की स्थिति में आ रहा है। ध्यान से देखें इस वीडियो को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन लैंड करने के कुछ सेकेंड्स पहले एयरक्राफ्ट में ने टर्न लिया और टर्न लेने के बाद वो एक तरफ मुड़ने लगता है, और यहाँ तक हमें वीडियो मिलता है। और उसके बाद जो है जो हुआ वो आपके सामने है, क्रैश का वीडियो, और उसमें लगभग 68 लोगों की डेथ हो चुकी है, इंक्लूडिंग फ्लाइंग क्रू मेंबर्स। अगर हम फ्लाइंग क्रू मेंबर्स की बात करें तो फ्लाइंग क्रू मेंबर्स में हम देखें जिसमें कैप्टन कमल केसी
हैं जो जिनको बताया जा रहा है कि लगभग 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का। और जो दूसरी को पायलट हैं उनका नाम अंजू खतीवाड़ा है, और ये कहा जा रहा है कि इस फ्लाइंग के बाद उन्हें जो है प्रमोशन मिल जाता और वो है कैप्टन, एज अ कैप्टन जो है एलिजिबल हो जाती, कैप्टन बन जाती, क्योंकि एक जो को पायलट होता है उसे लगभग 100 आवर्स की फ्लाइंग आवर्स की एक्सपीरियंस चाहिए होता है कैप्टन में प्रमोशन के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो हस्बैंड थे, एक बहुत अजीब सी स्थिति है कि उनके जो हस्बैंड से आज से लगभग 16 साल पहले, क्योंकि वो खुद भी एक पायलट थे इसी तरीके की एक एयर क्रैश में, वो भी जो एयर क्रैश हुआ था वो भी यति एयरलाइंस का ही हुआ था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। देखिए इस तरीके से हम देखें तो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो उसमें चार तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, जिसमें जो आगे की तरफ फोर्स काम करता है उसे थ्रस्ट बोलते हैं, जो कि इंजन की वजह से आता है। दूसरा जो पीछे ड्रैग काम करता है, जो इसमें फ्लाइंग में रुकावट बनता है, जो उसको रोकता है। तीसरा फोर्स जो है वेट, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नीचे आता है। चौथा जो है लिफ्ट। ये चार फोर्सेस काम करते हैं और इसका एक सही प्रोपोर्शन होने पर ही एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। वीडियो को देखें जो कि मीडिया में काफ़ी चल रहा है, उस वीडियो में हम देखें तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही तरीके से लैंड कर रहा था। जैसा मैंने अब इस वीडियो में पहले भी आपको बताया कि काठमांडू से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है तो कोई भी एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, और जब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अप्रोच पर जब एयरक्राफ्ट आया है वहाँ पर भी कुछ एबनॉर्मलिटी पायलट ने रिपोर्ट नहीं की है, ATC से कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जिसमें कुछ एबनॉर्मल या टेक्निकल रीज़न बताया हो, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो है लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले एयरक्राफ्ट जो है क्रैश कर जाता है। देखिए यदि आप वीडियो को देखें, जैसा कि मीडिया में ये भी बात कही जा रही है कि जैसे ही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अप्रोच पे एयरक्राफ्ट आया है यति एयरलाइंस में, तो वहाँ पर पायलट्स ने परमिशन मांगी लैंडिंग की, तो वहाँ पर जो ATC से उन्हें परमिशन मिली थी वो 1-2 एंड से रनवे पे, क्योंकि आप दोनों एंड से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो उन्हें परमिशन दी थी 1-2 एंड से परमिशन दी थी कि आप 1-2 एंड से लैंड कर सकते हैं, लेकिन पायलट ने डिसीजन को चेंज किया और वहाँ पर 3-0 एंड से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। क्या ये रीज़न रहा? ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जैसे आप वीडियो को देखते हैं जहाँ पर हमें दिखता है कि एयरक्राफ्ट जो है ठीक ठाक लैंड कर रहा था, लेकिन लैंड करने के कुछ सेकंड पहले जब आप ध्यान से देखेंगे तो एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन आपको दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी, एयरक्राफ्ट का नोज़ अप था और साथ ही एयरक्राफ्ट ने बैंक किया हुआ था, इस तरीके की पोजीशन बैंक की हुई थी। और मैं आपको इस ये बताना चाहूँगा कि जब एयर स्ट्राइक करती है, हवा जब बहती हुई हवा एयरक्राफ्ट पे स्ट्राइक करती है, एंगल ऑफ अटैक, एयर का एंगल ऑफ अटैक लिफ्ट पैदा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि किस एंगल से एयरक्राफ्ट पे हवा जो है स्ट्राइक कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पीड का, एयरक्राफ्ट की स्पीड का, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, आगे की तरफ एयरक्राफ्ट जाता है, लिफ्ट का, ड्रैग का और एक सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जैसे ही एयरक्राफ्ट टर्न करता है, और उसके बाद आप देखेंगे टर्न करते हुए एयरक्राफ्ट ने बैंक लिया है एक तरफ, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल भाषा में इसे कहा जाता है स्टॉल। यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है स्टॉल कर गया है, और स्टॉल क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, जैसे ही जो एयर की जो एंगल ऑफ अटैक होता है एयरक्राफ्ट में वो एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे हम क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, तो लिफ्ट 0 हो जाता है, लिफ्ट बिल्कुल एयरक्राफ्ट को नहीं मिलता है, एयरक्राफ्ट एक पत्थर की तरह नीचे इस तरीके से गिर जाएगा। ऐसी ही स्थिति को स्टॉल कहते हैं, जहाँ पर एयरक्राफ्ट को प्रॉपर लिफ्ट नहीं मिलती है और एयरक्राफ्ट एक पत्थर की तरह नीचे आ जाता है। यही एक रीज़न दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं एयरक्राफ्ट जो है पॉसिबली स्टॉल कर गया है। और स्टॉल का एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न आप देखेंगे, वो एक ये है कि लास्ट मोमेंट पे एयरक्राफ्ट ने क्यों अपना लैंडिंग रनवे चेंज किया, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट जैसे ही लैंड करने से कुछ सेकंड पहले वो इस तरीके से बैंक करके मुड़ रहा है, वो टच डाउन नहीं कर रहा है,
टच डाउन की स्थिति इस तरीके से रहती है, एयरक्राफ्ट जो है एकदम पैरेलल रहता है ग्राउंड के, इस तरीके से लैंड करता है, बट एयरक्राफ्ट ने टर्न ले लिया था। अब इसकी क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से पायलट ने लास्ट मोमेंट में बैंक करके टर्न ले लिया है, ये तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है स्टॉल कर गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक, एयर जो स्ट्राइक करती है एयरक्राफ्ट पे, एक क्रिटिकल एंगल पर यदि पहुंच जाता है तो एयरक्राफ्ट एक स्टॉल की पोजीशन में आ जाता है और वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह नीचे गिर जाएगा। इसे ही कोई स्टॉल कहते हैं। और स्टॉल से बचने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर स्टॉल वार्निंग सिस्टम रहते हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है स्टॉल की पोजीशन में आता है तो वहाँ पर कॉकपिट के अंदर दोनों ही तरीके के इंडिकेशंस आते हैं, जिसमें विजुअल इंडिकेशन मतलब कि वहाँ पर रेड लाइट्स, इस तरह की कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पर ऑडियो सिग्नल और अलार्म आता है जहाँ पर पायलट को इंडिकेशन मिलता है कि आप स्टॉल की दिशा में जा रहे हैं। ये एक तरीके का स्टॉल वार्निंग सिस्टम होता है जो पायलट को अलार्म देता है कि स्टॉल हो सकता है। और दूसरा होता है जिसमें स्टॉल की कंडीशन में पहुंचते ही इक्विपमेंट्स कुछ इस तरीके भी आते हैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, जहां पर स्टॉल की कंडीशन में जैसे ही एयरक्राफ्ट आता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही उस स्टॉल की पोजीशन से हटा के उसे बैलेंस कर लेता है। स्टॉल से बचाने के लिए सिस्टम रहते हैं। अब ATR सीरीज़ के एयरक्राफ्ट में किस तरीके का सिस्टम रहा, ये तो जो ATR के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसी से पता चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है स्टॉल कर गया है।